रायपुर में पुराने विवाद को लेकर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें निगरानी शुदा बदमाश दीपक नायडू ने आरोपियों के साथ पिता के साथ यहां पर कुछ दिन पहले मारपीट और अभद्रता की वारदात को अंजाम दिया, जिसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने दीपक नायडू को दिन में शराब पिलाई और सारे दिन मस्ती करते रहे। इसके बाद आरोपियों ने रात के वक्त शराब की दुकान के पास दीपक नायडू को शराब दोबारा से पिलाई और विवाद करने लगे। दीपक कुछ समझ पाता, इससे पहले दीपक नायडू पर चाकुओं से हमला कर दिया गया और फरार हो गए। दीपक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की सर्चिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने दो आरोपी अशरत और नदीम को गिरफ्तार कर लिया है, मगर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हैं। पुलिस जिन्हें जल्द ही पकड़ने की बात कह रही है। एक चाकूबाजी घटना हुई थी जिसमें दीपक नायडू की मौके पर मौत हो गई थी। इस पर से थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फिलहाल विवेचना क्रम में प्रारंभिक पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद दो लोगों के नाम सामने आए थे, उसमें एक अरशद है एक नदीम है। दोनों को रात को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों ने अपने जुर्म स्वीकार किया।